ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताई जाए जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आज हम आपके लिए कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं जो कि टूरिज्म बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में आपको हम ऑफर करेंगे, और इसी के हॉर्स मस्कट के बिल्कुल साथ ही में आपको टूरिज्म बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जिसमें आपको 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स, वो भी 2 साल की आसान एक साथ में। अस्सलाम वालेकुम जी, ताजिर इंटरनेशनल के पैनल से मलिक फहीम आवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। बहुत सारे दोस्त सवाल किया करते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताई जाए जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो कि सिक्योर होने के साथ साथ मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट भी साबित हो ब्लू वर्ल्ड सिटी में। तो जी हाँ दोस्तों, इन तमाम खसूसियात से भरी हुई आज हम आपके लिए कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं जो कि टूरिज्म बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में आपको हम ऑफर करेंगे। टूरिज्म बिजनेस डिस्ट्रिक्ट चौधरी साद नज़ीर साहब जो हैं, न्यूयॉर्क, अमेरिका, टाइम्स न्यू स्क्वायर की तर्ज के ऊपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखते हुए यहाँ पे कमर्शियल हब बनाने जा रहे हैं जो कि मेन ऑर्बिटल एवेन्यू और मेन ग्रैंड एवेन्यू के साथ मुंसलिक होगा। इस टाइम पे दोस्तों जो हम मेन बॉलीवुड के ऊपर मौजूद हैं, ये मेन बॉलीवुड मेन ऑर्बिटल एवेन्यू ही कहलाता है, जो कि गेट नंबर 1 से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, और इसी के साथ साथ इसी मेन ऑर्बिटल एवेन्यू के ऊपर ही आपको 125 फीट हाइट के ऊपर हॉर्स मस्कट्स मिलते हैं, जिसमें सेकंड कप ऑफ कॉफ़ी और साथ ही साथ सॉल्ट एंड पेपर भी आपको देखने को मिलता है। इसी मेन ऑर्बिटल एवेन्यू पे आपको वाटर थीम पार्क, आपको बुर्जुल अरब का रेप्लिका बुर्ज टावर, उसी के साथ साथ आपको रोमी स्क्वायर, और उसी के साथ साथ आपको इसमें ईगल नेस्ट व्यू का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, सराय कारवां का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, फैमिली पार्क्स देखने को मिलते हैं, और इसी में आपको फूड स्ट्रीट्स के ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो 7 से 8 ऑप्शंस मैंने आपको बताया है, वन स्टॉप कमर्शियल भी इसी मेन ऑर्बिटल एवेन्यू के ऊपर है। ये जो मैंने आपको 7 से 8 ऑप्शंस बताए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये मेन ऑर्बिटल एवेन्यू पे ही बनाए जा रहे हैं, और एट द स्पॉट सब पे काम चल रहा है। हॉर्स मस्कट्स आपके सामने कम्प्लीट हो चुके हुए हैं, और इसी के हॉर्स मस्कट्स के बिल्कुल साथ ही में आपको टूरिज्म बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जिसमें आपको 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स, वो भी 2 साल की आसान इकसाद में, और 30% डाउन पेमेंट की अदायगी पर आपको प्लॉट का नंबर और पोजेशन फौरी दे दिया जाएगा, और बकिया रकम आप साथ साथ अदा करें 2 साल में, और साथ ही साथ अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस टाइम पर ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो ऑफर है, ये प्री लॉन्च के ऊपर आपको अवेलेबल है। प्री लॉन्च प्राइसेस के अंदर आपको जो 4 मरला का कमर्शियल प्लॉट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रुपए में अवेलेबल है, जिसकी 30% डाउन पेमेंट अदा करनी है। लेकिन कुछ ही टाइम फ्रेम के बाद यही 2 करोड़ का जो प्लॉट है ये आपका लॉन्च में चला जाएगा, और लॉन्चिंग के बाद ये आपका प्लॉट 4 करोड़ रुपए का हो जाएगा, मतलब के डबल। इसी के साथ साथ जो 4 मरला कमर्शियल प्लॉट है, इस टाइम पे उसकी प्री लॉन्च प्राइसेस जो हैं वो 4 करोड़ रुपए हैं, लेकिन आफ्टर लॉन्चिंग इसी की प्राइसेस 8 करोड़ रुपए पे जा पहुंचेंगी। और अभी इस टाइम पे जो आप इसका इतना हाई लेवल के ऊपर ब्रांडिंग और मार्केटिंग नहीं देख रहे, और आप तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि साद नज़ीर साहब ने ये जो इन्वेंट्री है, ये बड़ी शॉर्ट सी इन्वेंट्री, ओनली 20-30% इन्वेंट्री जो है बड़े ख़ास लोगों को, अपने रियल्टर्स को जो है वो दी है, ताकि प्री लॉन्च के ऊपर चलें ये लोग अपनी मर्ज़ी से अपने ख़ास कस्टमर्स इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट कर सकें। लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल के ऊपर और एक हाई ब्रांड हाई क्वालिटी के ऊपर जो ब्रांडिंग की जाने वाली है, उसकी जो प्लानिंग चल रही है वो लॉन्चिंग फेज़ के अंदर चल रही है। मतलब कि जो बंदा इस टाइम पे आके इस प्लॉट को परचेज कर लेगा, यकीनी तौर पे वो शॉर्ट टाइम के अंदर एक अपॉर्चुनिटी और एक प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकता है। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल दोस्तों मैं आपको फिजिकली एक और सोसाइटी की देना चाहूँगा, पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद, जो कि ज़ोन 4 में वाकया है, जिसमें हमने डाउनटाउन के अंदर जब 6 मरले का प्लॉट सेल आउट करना शुरू किया 3.5 करोड़ रुपए का, तो हमें 80% लोग उसमें क्रिटिसाइज़ करते हुए मिल रहे, हमें नेगेटिव रिस्पांस वहाँ पे देखने को मिला, 10-20% हमें उस टाइम पे पॉजिटिव रिस्पांस मिला। हम लोगों को बताया करते थे कि यार यहाँ पे 100 कनाल के ऊपर एक लेक बनाई जा रही है, डांसिंग फाउंटेन्स होंगी, इस तरह का एनवायरनमेंट बनाया जाएगा, इस तरह के इवेंट्स होंगे, इस तरह की फूड स्ट्रीट्स होंगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होगी, लेकिन 80% हमें वहाँ पे क्रिटिसिज्म देखने को मिला। लेकिन उस टाइम पे जिन लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस किया, आज
वो लोग 100% नहीं, 200% नहीं, 300% प्लस अपना प्रॉफिट गेन कर चुके हैं। आज वहां पर वही प्लॉट 3.5-4 करोड़ वाला 14 से 18 करोड़ रुपए का जा पहुंचा है। ये प्रॉफिट जो है, ये जो मार्जिन जो है, ये जो एक रेवेन्यू, ये जो रिटर्न उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हासिल किया दोस्तों, ये उन क्रिटिसाइज करने वालों ने हासिल नहीं किया, ये उन लोगों ने हासिल किया है जिन लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। इसी तरह अब उसकी सबसे एक मेन रीज़न थी, एक ही सबसे बड़ी वजह थी कि वहाँ के ओनर्स ने, वहाँ के डेवलपर्स ने एक ऐसा स्पॉट वहाँ पर डिज़ाइन किया डाउनटाउन की तर्ज के ऊपर, 100 कनाल के ऊपर एक ऐसी लेक बना दी जो कि अवामुन्नास की तवज्जो का मरकज़ बन गई, जो कि पब्लिक का इंटरेस्ट वहाँ पर डेवलप हो गया, वहाँ पर लोगों ने जाना शुरू कर दिया। तो जब एक स्पॉट इतना पोटेंशियल रखता है दोस्तों, तो फिर जहाँ पर 8 स्पॉट्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं, हॉर्स मेस्कर्ट्स, बुर्ज अल अरब का रेप्लिका, वाटर थीम पार्क, राय कारवां पार्क, ये तमाम चीज़ें जब मिलकर यहाँ पे पब्लिक को अट्रैक्ट करेंगी, यहाँ पे वामुन्नास की तवज्जो का मरकज़ बनेंगी, तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर इस रोड के ऊपर जब आपके कमर्शियल प्लॉट्स होंगे तो फिर उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ जा पहुँचेगी। अकलमंद के लिए इशारा काफ़ी है, और इसकी मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं बजाते खुद इस चीज़ के ऊपर आपको मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग डिटेल में भी दूंगा, और आपकी मर्ज़ी के प्लॉट्स आप अभी हासिल कर सकते हैं, प्लॉट का नंबर भी और पोजीशन फ़ौरन ले सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।